अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद हेल्प हाउस नए चैनल के साथ नई वीडियो लेके हाजिर हुआ है। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा नया चैनल है। इसमें मैं हर तरह की सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों के लिए वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, और इसके अलावा यूट्यूब या दीगर मोबाइल वगैरह की छोटी मोटी वीडियोज भी मैं इस पर अपडेट करता हूँ, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, आपको नई चीज सीखने में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मोबाइल वगैरह में कंप्यूटर नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर तरह की नेटवर्किंग, मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज वगैरह की हर तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल हेल्प हाउस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिले। कोई भी क्वेश्चन है मुझे वीडियो में कमेंट्स करिए, मैं इंशाल्लाह फीडबैक दूंगा। मेरा व्हाट्सएप और ईमो नंबर है 0581014313। आप मुझसे इस नंबर पे कभी भी कॉन्टेक्ट करिए, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी फीडबैक दूंगा। यहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नकल कफाला तनाजुल, तनख्वाह के बिना अगर नहीं मिलती तनख्वाह आपको, तो आप करवा सकते हैं या नहीं, या इकामे का इशू है, आप तनाजुल करवा सकते हैं या नहीं। वैसे तो मैंने इस पर पहले तफसीलन काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन लोग जो है बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मुझे बार बार वीडियो बनानी पड़ती है। तो मैं आपको इस वीडियो में फिर क्लियर एक बार बताना चाहता हूँ। 1 अगस्त से जो नया रूल निकला है, इसकी ऑफिशियल न्यूज़ भी आई थी, कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है 1 महीने से ऊपर और नहीं बन रहा, कफील बना के नहीं दे रहा, आप लेबर ऑफिस में जाते हैं, लेबर ऑफिस वाले उनको वार्न करेंगे कि इकामा बनाओ, अगर इकामा वो बना देते हैं तो बात ख़त्म होगी, आपका मसला हल हो गया। अगर वो इकामा नहीं बना के देते, तो आपका जो तनाजुल है, नकल कफाला है, वो उनकी बगैर परमिशन के किसी दूसरी जगह पर कर दिया जाएगा। आपका नकल कफाला किसी दूसरी जगह पे कर दिया जाएगा, और जो है उस पे कोई जो है कफील की किसी किस्म की परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, ना आपको कफील के पास जाना पड़ेगा, ना जो है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, विदाउट कफील आपका तनाजुल नकल कफाला हो जाएगा। सेम इसी तरह सैलरी जो है वो भी, अगर आप मिसाल के तौर पे 3 महीने की सैलरी आपको नहीं मिलती कंटिन्यू, अगर आपको वो नहीं दे रहा, तो एक बंदे का 3000 रियाल जुर्माना कफील या कंपनी को होगा। और इसमें भी अगर सैलरी का आपका ये मुसलसल जो है प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, सैलरी क्लियर नहीं हो रही, तो इसमें भी आपको सेम तनाजुल मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं कुछ और चीज़ें भी क्लियर कर दूँ, अगर आपका शिरका या आपका कफील रेड है, तो आप जाके अगर किसी से तलब करवाते हैं, तो आपकी वो तलब ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगी कफील के बगैर, ठीक है। ये कितने दोस्तों का हुआ है, उन्होंने तलब करवाई है, शिरका रेड था उनका, उनकी तलब ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगी, उन्होंने कहा जी हमारे कफील मान ही नहीं रहा था जी तनाजुल का, उसने दिए ही नहीं, ना उसने एक्सेप्ट किया, ना हमने उसको बोला, तो उन्होंने तलब करवाई है, तो उनकी तलब एक्सेप्ट हो गई है और उनका तनाजुल हो। हरूब पे जो है आपका तनाजुल नहीं होता जब तक हरूब आपका ख़त्म नहीं होता, हरूब वही ख़त्म कर सकता है जिसने हरूब लगाया है। हरूब लगने का ना कोई पैसा होता है, ना निकालने का कोई पैसा होता है, इस पे मैंने तफसीलन वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ये जो थोड़ी थोड़े क्वेश्चन हैं इस तरह के बार बार आने वाले, उनको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका हरूब पे इकामा भी रिन्यू नहीं होता, यहाँ तक आपकी री एंट्री भी नहीं लगती, आपका खरूज भी नहीं लगता, आप नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आपने केस किया हुआ है, तो इसकी वीडियो मैंने तफसीलन बनाई हुई है, अगर आपने केस किया हुआ है और आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है, तो आप अपना फाइनल एग्जिट भी कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। चूँकि हमारा टॉपिक जो है वो तनाजुल पर है, तो हम तनाजुल पर ही रहते हैं, नहीं तो ये आगे निकलता जाएगा काम मज़ीद। तो ये कंडीशंस थी आपके तनाजुल की, आप इन कंडीशन, इन तरीकों से तनाजुल ले सकते हैं। ये जो बातें मैंने बताई हैं, इनको नोट कर लीजिए, बगैर किसी प्रॉब्लम के आपको जो है तनाजुल मिल जाएगा। मज़ीद अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो मुझे वीडियो में कमेंट्स करिए, या मेरा मोबाइल व्हाट्सअप और ईमो नंबर 0581014313 है, आप कभी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।